मुजफ्फरपुर समरनारे परिसर के मुख्य द्वार के पास एक बड़ा हादसा टल गया। नगर निगम की सुपर शकर टैंकर बुधवार को अचानक समरनारे परिसर के मुख्य द्वार के पास पलट गई। टैंकर पलटने से मौके पर अफरा तफरी की स्थिति कायम हो गई। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं आई है, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। चालक और उपचालक दोनों सुरक्षित हैं। हालांकि टैंकर पलटने से जमीन में 2 फीट से ज्यादा गड्ढा हो गया। समरनारे परिसर के मुख्य द्वार पर ही नई सड़क का ये हाल बता रहा है कि किस तरह हर तरफ भ्रष्टाचार हो रहा है। बता दें कि बीते 2 दिनों से शहर में लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से समरनारे परिसर में घुटने भर पानी जमा हो गया है। इसी पानी को निकालने के लिए नगर निगम की तरफ से सुपर शकर टैंकर मंगा कर पानी निकाली जा रही है। इस दौरान मुख्य द्वार के पास निकलते वक्त अनबैलेंस होकर टैंकर पलट गई, जिससे यह दुर्घटना हो गई। जानकारी मिलती है कि नगर निगम प्रशासन और जिला प्रशासन की टीम गाड़ी को हटाने में जुट गई है। गड्ढा में स्मार्ट सिटी का काम नहीं हो रहा, ये लूट सिटी का काम हो रहा है, जो मुजफ्फरपुर जनता को ठगा जा रहा है। जो आए दिन हम लोग को चाहे उसको बलगलाया जा रहा है कि ये स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी का काम अगर होता है, अगर नाला अगर बनता है तो जिस तरह पाया दिया जाता है साइड से नाला का घोल बनता है कि तो पानी निकल जाए, तो वो भी व्यवस्था इसमें नहीं है। वो ऊपर से थोड़ा देखकर छोड़ दिया और चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। रोड कमजोर होने के कारण इतनी बड़ी घटना हो गई। रोड कमजोर का मेन कारण है, अगर कहीं भी रोड बनता है तो उसमें रोलर चलता है, रोलर से मट्टी को बैठाया जाता है, बैठाने के बाद तब उसमें टोलिंग होता है। मगर यहाँ कोई ऐसा बात नहीं, फिर आया गड्ढा खाना, मट्टी भरा, रोड बनाया और चल। अब मान लीजिए किसी गाड़ी पर या किसी व्यक्ति पर यह गिर जाता तो वो स्पॉट पे कारण है कि ये पाइप जो देख रहे हैं पाइप लाइन, इसलिए एक भी गाड़ी इधर से क्रॉस नहीं किया। अगर ये पाइप लाइन नहीं होता तो गाड़ी क्रॉस होता तो बड़ी घटना होने का। बिल्कुल।